हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन वी विल फाइंड द कंसेप्ट एक्सलेन तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी तक के हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हमने देखे थे कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस अगर कवर करता है या ट्रेवल करता है तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेरिएबल मोशन तो वेरिएबल मोशन का मतलब क्या है ऐसा मोशन जो वेरिएबल हो यानी कि बार बार चेंज हो सकता हो ओके तो यहाँ पे जो मोशन है वो बेसिकली चेंज होने वाला है और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो भी वन डायमेंशनल यानी कि स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है तो बेसिकली जब एक बॉडी मूव करता है ओके एंड मूव इस तरीके से करता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओके स्टूडेंट्स क्लियर है इतना तो वेरिएबल मोशन का मतलब ही होता है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होते रहनी चाहिए राइट तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड बॉडी इस टाइप का मोशन कर रही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर पी, आगे पीछे मूव कर रही है तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वेरिएबल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ओके okay? एंड क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल मोशन की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल मोशन में क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है वेरी करने का मतलब होता है कि चेंज हो रही है वेलोसिटी ओके okay? तो यहाँ पे एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ओके okay? तो वेलोसिटी के इस वेरिएशन को ही बोलते हैं बेसिकली एक्सिलेशन इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स अगर किसी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन के समय वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो उसको बोला गया है एक्सलरेशन क्यों बोला गया है इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्योंकि एक्सलरेशन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके इतना क्लियर है तो ये फॉर्मूला होता है तो जब कभी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन ओके okay? तो देखिए इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि एक्सलरेशन क्या होता है सो बेसिकली स्टूडेंट्स जब कभी अपॉन में टाइम हो तो हम उसको रेट बोलते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका है एक बार फिर से बता दिया ओके okay? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ट्राई टू अंडरस्टैंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड वॉट एक्सलरेशन क्लियर डेफिनेशन डेफिनेशन बोल सकते हैं द रेशियो रेशियो यानी कि अपॉन राइट द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सलेरेशन ओके स्टूडेंट्स तो वेरिएबल मोशन की वजह से एक नया कंसेप्ट आया है एक्सलेशन इतना क्लियर है क्या तो बेसिकली इसका फॉर्मुला भी वही लिखा हुआ है कि एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ओके तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो मान लेते स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है ओके okay? एंड इसकी जो वेलोसिटीज़ है दो अलग अलग टाइम इंटरवल T1 वन एंड टी पे बात कर रहे हैं ओके okay? दो अलग अलग टाइम ले रहे हैं T1 एंड T2 टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज़ थी वो V1 वन एंड वी थी यानी कि T1 टाइम था तो वेलोसिटी V1 थी टाइम T2 था तो वेलोसिटी V2 थी ओके okay? तो इस एक्सलरेशन की डेफिनेशन या फिर फॉर्मूले की हेल्प से अगर इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्सलरेशन ए एक्सलेशन को लिखते हैं स्मॉल ए सिंबल से तो स्मॉल ए हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यही होता है चेंज इन वेलोसिटी तो वी टू माइनस वी वन हो जाएगा अपॉन टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन तो ये जो बेसिकली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी पाय डेल्टा टी अगर आप इसको डायल वी अपॉन डायल टी पढ़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका है कि इसको डेल्टा पढ़ने की हैबिट डाल दीजिए ओके तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो जो डेल्टा है एक्चुअली क्या दिखाता है चेंज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी कि टाइम इंटरवल वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डेल्टा वी क्या है चेंज इन वेलोसिटी है और डेल्टा टी क्या है छोटा सा टाइम इंटरवल है ओके और जैसे कि हमने अभी बात की एक्सलरेशन की तो ये जो एक्सिलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आई होप आपको ये एक्सेलरेशन तो क्लियर हो गया होगा चलिए अब बात करते हैं इस एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट की तो बेसिकली इसी फॉर्मूले से ही हम बनाएंगे इसकी ऐसा यूनिट तो फॉर्मूला क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड होती है ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एंड टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है वो होती है सेकेंड ओके okay, स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा ये मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ओके तो ये हो गया इसकी ऐसा यूनिट अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हम इसका नॉर्मल फार्मूला देखेंगे कि एक्सिलेशन क्या होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं वो था एल टी माइनस वन एंड टाइम इंटरवल जो है उसका था टी तो टी जब ऊपर जाएगा तो टी पर माइनस वन हो जाएगा टी माइनस वन टी माइनस वन विल बी T पर माइनस टू की पावर राइट तो हो जाएगा एल टी माइनस टू तो अगर इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल टी माइनस टू ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू